नेपाल में थप 30 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या 487 पुग्यो। शुक्रवार बिहान थप 30 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित को संख्या 487 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सर्लाही जिला में 15, कपिलवस्तु में 9, चितवन में 2, नवलपरासी में 3, नवपरासी पूर्व का 1 जना में कोरोना संक्रमण देखिएको हो। सर्लाही को गौडेताल नगरपालिका र रामनगर गहुआवा नगरपालिका में कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ का 22 22, 24 25 25, 27 32, 34 34, 35 38 38 38 र 39 वर्ष का पुरुष र 18 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण भएको छ। कपिलवस्तु को बाणगंगा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका का 24 25 27 29 34 36 45 53 वर्ष का पुरुष र 8 वर्ष की बालिका में कोरोना संक्रमण देखिएको हो। नवपरासी को सुस्ता गाउँपालिका 5 र रामग्राम नगरपालिका का 33 र 35 वर्ष का पुरुष र 15 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण देखिएको छ। चितवन को भक्तपुर नगरपालिका 6 का 74 वर्ष का पुरुष, 73 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्व को विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 6 का 45 वर्ष का पुरुष में कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या 487 पुग्यो। शुक्रवार बिहान थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित को संख्या 487 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सर्लाही जिल्लामा 15, कपिलवस्तुमा 9, चितवनमा 2, नवलपरासीमा 3, नवपरासी पूर्व का 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। सर्लाही को गौडेताल नगरपालिका र रामनगर गहुआवा नगरपालिका में कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ का 22 22 24 25 25 27 32 34 34 35 38 38 38 र 39 वर्ष का पुरुष र 18 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण भएको छ। कपिलवस्तु को बाणगंगा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका का 24 25 27 29 34 36 45 53 वर्ष का पुरुष र 8 वर्ष की बालिका में कोरोना संक्रमण देखिएको हो। नवपरासी को सुस्ता गाउँपालिका 5 र रामग्राम नगरपालिका का 33 र 35 वर्ष का पुरुष र 15 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण देखिएको छ। चितवन को भक्तपुर नगरपालिका 6 का 74 वर्ष का पुरुष, 73 वर्ष की महिला में कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्व को विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 6 का 45 वर्ष का पुरुष में कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।